हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शहाबुद्दीन और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ओप्पो A57 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ओप्पो ने फाइनली अपना एक सेल्फी सेंट्रिक फोन जो है इंडिया के अंदर आज ही लॉन्च किया, जिसका नाम है ओप्पो A57। तो आज मैं इस वीडियो में उसी के बारे में बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसके डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं। तो इसमें आपको 5.2 इंच का HD रेजोल्यूशन का डिस्प्ले देखने को मिलता है, यानी कि एक फुल HD रेजोल्यूशन का डिस्प्ले नहीं है। तो डिस्प्ले की जो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होने वाली है। और ये TFT डिस्प्ले दिया गया है आपको इस फोन में। इसमें आपको 3GB की रैम और 32GB की इंटरनल स्टोरेज दी गई है, जिसे आप माइक्रो HD कार्ड लगा के 256GB तक का एक्सपेंड कर सकते हैं। इसमें आपको 13MP का रियर फेसिंग कैमरा देखने को मिलता है, जिसका एपर्चर है f2.2 एपर्चर दिया गया है, जो कि ठीक ठाक ही होने वाला है। और इसका जो हाईलाइटिंग फीचर, यानी कि जो इसकी मेन USP है, वो इसका फ्रंट कैमरा है। इसमें आपको 16MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है, जिसका एपर्चर है f2.0 का एपर्चर दिया गया है। बात करें इसके रिमेनिंग स्पेसिफिकेशंस की, तो इसकी जो बैटरी है वो 2900mAh की बैटरी दी गई है। इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 435 प्रोसेसर दिया गया, जो कि एक नया प्रोसेसर है। अभी तक कोई भी डिवाइस में ये प्रोसेसर नहीं देखने को मिलता था। और इसमें आपको एड्रीनो का GPU दिया गया, एड्रीनो 505 GPU दिया गया है। और ये एंड्रॉयड 6.0.1 मार्शमेलो पे रन करता है। और बात करें ये 4G वगैरह सपोर्ट करता है कि नहीं, तो ये सभी 4G वॉइस ओवर LTE वगैरह सब कुछ ये सपोर्ट करता है। और ठीक ठाक क्वालिटी का ये फोन है, लेकिन बस इसकी जो कीमत है वो 15,000 रुपये इसकी कीमत रखी गई है। मुझे ये थोड़ा ज्यादा ओवर प्राइस लगता है। अगर इसकी कीमत जो है 12,000 या 10,000 के आसपास होती थी तो सही होता था, क्योंकि सेल्फी सेंट्रिक फोन है। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ सेल्फी लेनी है तो ही आप इस डिवाइस को खरीद सकते हैं। बाकी मेरे पर्सनल ओपिनियन में ये डिवाइस जो है ओवर प्राइस है। बाकी आपकी मर्जी है कि अगर आपको खरीदना है तो आप खरीद लीजिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आती तो प्लीज़ लाइक बटन दबाइए, और अगर आपको इसी तरीके की और वीडियोस देखनी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबाइए, जो कि आपको इस वीडियो के नीचे मिलेगा।